क्लास क्या है आप लोग के। आज हमने स्टार्ट करना है यूनिट नंबर 2 प्लांट्स एंड देयर सिस्टम। जैसे कि आप जानते हैं कि स्टेप 1 में हमने हीटिंग एंड कूलिंग पढ़ा था और अब हम स्टेप 2 कर रहे हैं जिसमें हमारा सेकंड चैप्टर है प्लांट्स एंड देयर सिस्टम और हमारा टॉपिक जो है प्लांट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। प्लांट्स एंड ऑर्गन्स, प्लांट टिश्यूज, आपको पता है टिश्यूज क्या होते हैं? जैसे कि ये हमारा कमरा है, ये छोटे छोटे यूनिट्स से मिलकर बना है, यानी कि ब्रिक्स ईंटे मिलके उन्होंने क्या किया, एक दीवार बनाई और दीवार से हमने क्या किया कि हम कमरा बनाया। इसी तरह जो हमारी बॉडी है वो डिफरेंट छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनी होती है और वो जो छोटे छोटे यूनिट है उनको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। और जब सेल एक ही ग्रुप में एक जैसा काम कर रहे होते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं, टिश्यूज। ठीक है, जब एक जैसा काम कर रहे होते हैं सेल उसको हम बोलते हैं टिश्यूज, और जब डिफरेंट टिश्यूज को हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ऑर्गन्स। ठीक है, तब क्या बनता है हमारे पास, ऑर्गन। आते हैं क्वेश्चंस की तरफ, आते हैं क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, लिस्ट 2 जॉब्स कैरीड आउट बाय द रूट ऑफ अ प्लांट। हमने दो काम बताने हैं प्लांट की जो रूट है उसके। ठीक है, कि प्लांट की जो रूट है वो क्या काम करती है, हमने वो दो बताने हैं। आपको पता है कि प्लांट की रूट क्या काम करती है? आते हैं आंसर की तरफ। आंसर, रूट होल्ड अ प्लांट इन अ प्लेस इन द ग्राउंड एंड आल्सो टेक इन द वॉटर दैट इज नीडेड बाय द प्लांट। रूट होल्ड अ प्लांट इन प्लेस इन द ग्राउंड। रूट क्या करती है कि ग्राउंड में पौधे को पकड़े हुए होती है, मजबूत करती है पौधे को। ठीक है, एंड आल्सो टेक इन वॉटर दैट इज नीडेड बाय द प्लांट। और पौधे को जितना पानी चाहिए होता है वो उसको क्या करती है, देती है। जैसे कि पौधे छोटे होंगे तो उनको थोड़ा पानी चाहिए होगा, अगर वो बहुत बड़े होंगे जैसे कि दरख्त होते हैं तो उनको क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। तो पानी कौन कहाँ से आता है, रूट के जरिए आता है। रूट उसको क्या प्रोवाइड करती है, वाटर। आते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर 2, इन मैनी प्लांट्स लीव्स एंड फ्लावर्स आर हेल्ड अबव द ग्राउंड बाय द स्टम, सजेस्ट अ रीजन फॉर दिस। के बहुत सारे पौधे पत्ते और फ्लावर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जमीन के ऊपर होते हैं तने के जरिए। सजेस्ट अ रीजन फॉर दिस, हमने बताना है कि इसकी क्या वजह है। आंसर, द स्टेम इज अ प्लांट्स मेन सपोर्ट अबव द ग्राउंड। जो हमारे पास तना है, प्लांट्स मेन सपोर्ट, वो पौधे का बुनियादी हिस्सा जो कि उसको खड़े रखने में उसकी मदद देता है। इट होल्ड द लीव्स एंड फ्लावर्स, और वो किसको पकड़े होता है, पत्तों को और फ्लावर्स फूलों को। जैसे कि आप देखते हैं, आप कोई भी पौधा ले लें, आप देखते हैं ना कि सबसे पहले उसका क्या होता है, तना होता है। ठीक है, तने के ऊपर ही क्या होते हैं, फूल और पत्ते होते हैं। तो वो तना क्या हुआ, उसका मेन हिस्सा, यानी उसका क्या है, मेन सपोर्ट अबव द ग्राउंड, जमीन के ऊपर वो उसका मेन हिस्सा होता है जो कि फूल और पौधों को होल्ड किए हुए होता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू वी कॉल अ ग्रुप ऑफ सेल दैट डू द सेम जॉब। वो ग्रुप ऑफ सेल जो कि एक जैसा काम कर रहे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ये तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि उसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। आंसर की तरफ आते हैं, सेल दैट डू द सेम जॉब टुगेदर। वो सेल जो एक जैसा काम कर रहे होते हैं एक ग्रुप में इकट्ठे, इज कॉल्ड टिश्यू, उसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू। व्हाट आर, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर बर्ड्स, व्हाट आर बर्ड, यू नो व्हाट इज बर्ड। आप देखते हैं जब एक फूल छोटा सा होता है, एक छोटा सा होता है कली की शेप में होता है, उसको हम क्या कहते हैं, बर्ड। बर्ड बेसिकली उर्दू में इसको बोला जाता है कली। ठीक है, आंसर, बर्ड्स वेयर ग्रोथ स्टार्ट, जहां पे ग्रोथ क्या होती है, स्टार्ट होती है। जैसे कि आप फूल को देखते हैं, फूल सबसे पहले शाख पे आता है तो बिल्कुल छोटा सा होता है, फिर लेकिन फिर आहिस्ता 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 वो क्या होता है, बड़ा होना शुरू होता है। तो वो जब छोटा सा होता है तो वहां से उसकी क्या होती है, ग्रोथ स्टार्ट हो रही होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बर्ड्स। नंबर 5, वेयर डज ग्रोथ टेक प्लेस इन प्लांट्स। हमने बताया, इसमें ये पूछा गया है कि प्लांट्स में ग्रोथ कहाँ होती है। आंसर, ग्रोथ टेक प्लेस इन द टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट। जो ग्रोथ होती है टिप्स बोलते हैं एंड्स को, जो उनके लास्ट वाला यानी कि सिरा होता है उस पे क्या होती है, प्लांट्स की ग्रोथ होती है। जैसे कि रूट्स होती है, रूट्स जमीन के अंदर होती है, लेकिन जैसे जैसे रूट्स जितनी ज्यादा होंगी, जो पौधा होगा या जो भी दरख्त होगा वो उतना ज्यादा क्या होगा, मजबूत होगा। और शूट्स होती हैं शाखें। आपने देखा होगा कि आप एक पौधे की शाख लें और उसके आप एंड पे जाएं, वहां देखेंगे कि वो छोटे छोटे से पत्ते होते हैं, तो वो क्या होती है, उसकी टिप्स होती है, और वहां से उनकी क्या होती है, ग्रोथ स्टार्ट हो रही होती है। क्वेश्चन नंबर 6, नेम 4 काइंड्स ऑफ प्लांट्स टिश्यू।
इसमें हमने बताना है कि फोर काइंड्स, चार एग्जाम प्लांट टिश्यू की फोर काइंड्स को बताना है। नंबर वन फोटोसिंथेटिक टिश्यू, सेकंड पे प्रोटेक्टिव टिश्यू, थ्री जाइलम, फोर फ्लोइंग। फोटोसिंथेटिक टिश्यूज ये क्या होते हैं? ये वो टिश्यू होते हैं जिसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो चल रहा होता है, यानी कि जिसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है। फोटोसिंथेसिस का आपको पता है क्या होता है? जिसमें पौधे सूरज से रोशनी लेते हैं और फिर उसको उससे खुराक बनाते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टिव टिश्यूज, प्रोटेक्टिव टिश्यूज जैसे कि नाम से शो हो रहा है, प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव क्या होता है? हिफाजत करने वाला। वो टिश्यूज जो पौधे की जड़ों और शाखों की हिफाजत करते हैं, उनको किसी भी इंफेक्शन और डैमेज से बचाते हैं। जाइलम, जाइलम क्या होते हैं? जो कि खुराक और मिनरल को लेते हैं रूट से और पौधों तक लेके जाते हैं और पौधों की पत्तों तक लेके जाते हैं, वो क्या होते हैं? जाइलम। जाइलम क्या है? जो कि खुराक और मिनरल को जड़ों से पौधों के पत्तों तक लेकर जाते हैं, ठीक है। आगे है फ्लोइंग, फ्लोइंग वो होते हैं जो कि पत्तों से खुराक को लेते हैं और पौधों के जो दूसरे हिस्से हैं वहां तक लेके जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोइंग। आज हमने ये टॉपिक पढ़ लिया है, हमने आज ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया, प्लांट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। आपने इसको अपनी कॉपीज पे नोट करना है और इसको लर्न करना है, ठीक है।